क्लोजिंग होने से पहले ही कैसे उन्होंने रेंट आउट कर दिया। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इनॉग्रेशन है बेसिकली आज। कभी रात को 11 बजे शोइंग करा के आ रहे हो। सुबह सुबह 9 बजे बैंक जाना पड़ा है बिकॉज आज हमारे मिसिसागा वाले कॉन्डो की क्लोजिंग है। सो क्लोजिंग के टाइम पे जो भी बैलेंस अमाउंट होता है वो लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। सो वो हो गया मॉर्निंग में। एंड आज हमें बिल्डिंग में भी उन्होंने इनवाइट किया है बिकॉज दे आर ओपनिंग देयर अमेनिटीज लाइक रूफ टॉप, जो पार्टी रूम एरिया है तो वहाँ जाएंगे इवनिंग में। बट उससे पहले आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि कॉन्डो हमें क्लोजिंग आज मिल रही है बट हमने ऑलरेडी रेंट आउट कर दिया है कुछ महीने पहले। सो वो क्या प्रोसेस होता है, हमें क्लोजिंग होने से पहले ही कैसे उन्होंने रेंट आउट कर दिया, आई एक्सप्लेन यू द डिफरेंस। एंड आज मैं 3 वीक्स के बाद जिम भी जा रहा हूँ बिकॉज रियल्टर की जॉब फिक्स नहीं है 9 to 5। कभी रात को 11 बजे शोइंग्स करा के आ रहे हो, कभी कुछ काम है, कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हो। सो ये है थोड़े से कॉन्स रियल्टर की जॉब के। बट वर्कआउट, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट मैं करूँगा। एंड जिम में सोना होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कहीं पे आपकी क्रैम्प आ रहा है और एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, कुछ भी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है सोना से। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करके सोना कर लेते हैं, थोड़ी जो बॉडी में अकड़न हो चुकी है इतनी ड्राइव करके वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर मनप्रीत को पिक करते हैं इवनिंग में एंड कॉन्डो में देख के आते हैं कि कैसा रूफ टॉप है बिकॉज वहाँ से लेक का व्यू भी है एंड सीएन टावर का व्यू भी है। सो आई एम श्योर इट विल बी ब्यूटीफुल। जिम से आ गए घर और सरप्राइज मिला है, बाइक आ चुकी है घर पे। दिस इज एन इलेक्ट्रिक बाइक। सो आसपास जिम जाना है, कुछ शॉप से लेके आना है, 1-2 किलोमीटर चला के बाइक पे जा सकते हैं। क्या फीचर है वो मैं चला के बताता हूँ बिकॉज इलेक्ट्रिक बाइक है तो मैनुअली भी चला सकते, और थक गए तो इलेक्ट्रिक मोड ऑन करो और टेस्ला की तरह बाइक चलाओ। सो ये है हाई बॉय EX6 स्टेप थ्रू इलेक्ट्रिक बाइक। सबसे पहले तो इसकी मोटर की बात करते हैं, जो कि 500 वॉट की मोटर है एंड मैक्सिमम स्पीड जो इसकी जा सकती है 40 किलोमीटर पर आवर। असेंबली करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ही लगा था, 30 मिनट्स में असेंबल हो गई थी। एंड जो इसकी बैटरी है दैट इज़ 48 वॉट्स, जिसकी मैक्सिमम रेंज है 120 किलोमीटर। इट हैज़ फैट टायर्स एज यू कैन सी 20x4 इंच, सो स्नो में टेरेन में वे भी आराम से चलेगी। और कंफर्टेबल इसलिए है बिकॉज इट हैज़ फ्रंट सस्पेंशन एंड ड्यूल डिस्क ब्रेक्स फॉर सेफ्टी। अगर फुल्ली इलेक्ट्रिक चलानी है फुल्ली इलेक्ट्रिक भी इसको चला सकते हैं, पेडल असिस्ट चलानी है वो भी चला सकते हैं, और एज अ नॉर्मल बाइक इसको मैनुअली भी चला सकते। सेफ्टी के लिए फ्रंट लाइट है, LCD डिस्प्ले है जिसमें स्पीड, बैटरी लाइफ और मोड इंडिकेशन दिखता है। 7-speed गियर है इसमें, स्टर्डी फ्रेम है एंड सबसे बड़ी बात कैनेडियन वेदर के लिए बिल्ड है ये, सो ऑल ईयर राउंड चला सकते हैं। बट ऑफकोर्स ग्लव्स, कैप, एवरीथिंग पहन के चलानी पड़ेगी। सो इसको विंटर में भी एक बार टेस्ट करेंगे। बट राइट नाउ एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ड्रोन व्यू एंड चेक द लिंक इन बायो बिकॉज देयर इज अ 5% डिस्काउंट गोइंग ऑन एंड यू मे गेट अ डिस्काउंट ऑफ $850 एज वेल। सो चेक द लिंक इन बायो। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो आ गए हैं इवनिंग में हम बिल्डिंग में, जो इवेंट है इनॉग्रेशन है बेसिकली आज, जो रूफ टॉप पैटियो है, देखते हैं जाके कैसा होता है। मौसम भी अच्छा है एंड फिर मैं आपको वो भी बताता हूँ जो ऑक्यूपेंसी एंड क्लोजिंग में डिफरेंस होता है बिकॉज मॉर्गेज होने से पहले ही आपको यूनिट रेंट करने के लिए मिल जाता है। सो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर बाइंग अ कॉन्डो। सो हमने विजिट किया रूफ टॉप पैटियो आज, बहुत ब्यूटीफुल था। आपको कुछ शॉट्स आगे जो देखोगे आपको पता चल जाएगा। बट ऑक्यूपेंसी और फाइनल क्लोजिंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ बिकॉज कैनेडा में थोड़ा डिफरेंट है कि अगर 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और लेट से आपका जो यूनिट है वो 10th फ्लोर पे है और वो बन के रेडी हो चुका है, तो बिल्डर वो आपको ऑक्यूपाई करने के लिए दे देता है विदाउट इवन क्लोजिंग। कुछ चार्जेस लेता है आपसे एंड यू कैन रेंट इट आउट एज वेल, बहुत बिल्डर अलाउ करते हैं। तो मैंने रेंट आउट पहले ही कर दिया है, क्लोजिंग आज थी, आज से मॉर्गेज स्टार्ट हुई है, सब कुछ मेरे नाम पे भी आज ही हुआ है वो यूनिट, बट उससे पहले से रेंट पे दिया हुआ था। तो अगर 10th फ्लोर तक बन चुका है और बिल्डर ऊपर के फ्लोर अभी रेडी कर रहा है तो वो कहता है कि ठीक है 10th तक जिनके बन गए उनको यूनिट दे देता है। सो ये होता है ऑक्यूपेंसी। फाइनल क्लोजिंग आज हुई है सो इसलिए मैं पहले ही रेंट आउट कर पाया था। बट उस टाइम पे थोड़ी अमेनिटीज जो होती हैं कॉन्डोस में, जो खास बात होती है कि जिम, किड्स एरिया, पार्टी एरिया, रूफ टॉप पैटियो, लाउंज एरिया, गेस्ट सुइट्स, ये सब रेडी नहीं होते। सो वो अभी रेडी हो रहे थे तो अभी ऑलमोस्ट सारा कुछ रेडी हो चुका, तो इसलिए आज उन्होंने एक पार्टी रखी छोटी सी
एंड ये सारा एक वॉक थ्रू करवाया अमेनिटीज का. सो टू स्टार्ट विद, दो गेस्ट सूट थे इसमें. अगर कोई उस बिल्डिंग में रहता है और उसके कोई गेस्ट आ रहे हैं एंड उनके घर में इतना स्पेस नहीं है, सो एक दो दिन के लिए वो बुकिंग कर सकते हैं मिनिमल चार्जेस. एंड दोज वर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, होटल रूम की तरह लग रहे थे, लॉन्ड्री भी थी और व्यू भी अच्छा था. उसके बाद आया जो पार्टी एरिया, लाउंज एरिया बेसिकली. वहां पे बहुत सारे उन्होंने स्नैक्स रखे हुए थे अभी, बट अगर कोई ब्राइडल शावर करता है या फिर कोई छोटी सी पार्टी अरेंज करता है तो वहां पे पूरा डाइनिंग एरिया कर सकता है. पीछे एक शेफ पेंट्री भी थी, ड्रिंक्स भी उन्होंने अरेंज करी हुई थी, तो वो एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया था कि अगर कोई पार्टी करता है तो कहाँ पे बार एरिया लग सकता है. उसके बाद जो बारी आई वो बाहर वाले रूफ टॉप पैटियो की, अमेजिंग. अगर आप ये शॉट्स देख रहे हो, सीएन टावर का वहां पे व्यू आ रहा है, सनसेट का टाइम था तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा था. लेक ओंटारियो का बहुत अच्छा वहां से व्यू आ रहा था बिकॉज इट वाज ऑन 15th फ्लोर. थोड़े से गजीबो बनाए हुए हैं, डे बेड रखे हुए हैं, बहुत सारे सिटिंग एरिया हैं. ठंड थी थोड़ी सी तो उन्होंने फायरप्लेस भी ऑन कर रखे थे, वो थोड़े आप जगह पे बैठ सकते हो, कुछ कुछ जगह पे फायरप्लेस थे. बारबेक्यू एरिया आप बुक कर सकते हो एंड ये पूरा एरिया बुक कर सकते हो. सो मे बी जो हम दिवाली पार्टी करेंगे या फिर जो रियल स्टेट के मैं सेमिनार्स वगैरह करूंगा वो इसी जगह पे करूंगा बिकॉज मिनिमल चार्जेस होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट वो लेंगे एंड ये पूरा एरिया आप यूज कर सकते हो. सो व्यू वॉज अमेजिंग. हम बहुत बार सीएन टावर का व्यू ले चुके हैं बट जब पूरे सीएन टावर का और लेक ओंटारियो का व्यू एक साथ आता है, इनफैक्ट अगर कॉर्नर में जाके आप देखो तो मिसिसागा के स्क्वायर वन एरिया का भी पूरा व्यू आ रहा था, तो सनसेट वॉज ब्यूटिफुल, वहां से गो ट्रेन भी दिख रही थी, बहुत अच्छा व्यू. अगर वहां पे पार्टी होगी या फिर आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हो अपने फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी बैठे वहां पे इंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो वहां पे. बिकॉज ये लग्जरी थोड़ा बिल्डर है तो हर चीज में, गेस्ट सूट में भी और रूफ टॉप पैटियो में भी थोड़ा सा फाइव स्टार वाली फीलिंग आ रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज एंड जो वहां पे पार्टी एरिया में जो उन्होंने रखे हुए थे काउच, बारबेक्यू एरिया एंड ऑल. सो यही बेनिफिट होते हैं कॉन्डो के, रूफ टॉप पैटियो, लाउंज एरिया, मीटिंग रूम्स, गेस्ट सूट. इसमें स्विमिंग पूल नहीं है, स्विमिंग पूल भी होता है बहुत सारे कॉन्डोस में. मिल्टन में एक कॉन्डो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो मैंने बहुत क्लाइंट्स को बुलाया, उसमें स्विमिंग पूल भी है. इसमें जिम है, बहुत अच्छा जिम है, वो मैं पिछले वीडियो में शो कर चुका हूँ. एंड सिक्योरिटी ऑफकोर्स बहुत अच्छी होती है कॉन्डो बिल्डिंग्स में. सो जो हमारे टेनेंट है वो यूज करेंगे रूफ टॉप पैटियो एंड मैं भी बुक करके वहाँ पे सेमिनार एंड पार्टीज वगैरह करते रहेंगे. मे बी मीटअप्स वगैरह भी कर सकते हैं, विंटर में बाहर नहीं हो पाएगा, अंदर तो हो ही जाएगा. एंड समर में बाहर भी पार्टीज करेंगे. होप यू एंजॉयड इट, होप यू एंजॉयड द व्यू. नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.